हाय गाइस, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खतरों के खिलाड़ी से बड़ी अपडेट। खतरों के खिलाड़ी के नए प्रोमो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से ये जो शो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कलर्स टीवी पर इसके लिए आने वाली है थोड़ी सी मुश्किलें। क्यों आने वाली है ये आपने ट्विटर पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी को तो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। एक लेटेस्ट प्रोमो अगर हम इस शो का देखें तो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि किस तरह से अर्जुन बिजलानी के जो कमेंट्स हैं, उनके जो बर्ताव है क्लिप पर प्रोमो पर, वो लोगों के लिए, उनके कुछ लोगों के लिए, कुछ जो कंटेस्टेंट्स के फैंस हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा शॉक रहा है और वो बहुत ही नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं। ट्विटर की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट दिख रहे हैं जहाँ पर फैंस कह रहे हैं इस प्रोमो को हटाने के लिए। क्यों कह रहे हैं ये जानते हैं हम धीरे धीरे। तो अर्जुन बिजलानी ने लेटेस्ट एक जो प्रोमो है खतरों के खिलाड़ी का, वहाँ पर कहा है अपने फेलो कंटेस्टेंट्स, अपने जो आपस के कंटेस्टेंट्स हैं उनको कहा है, जैसे कि वो जो श्वेता तिवारी है और राहुल वैद्य हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। फॉक्स और हाइना, जिन्हें हम कहते हैं लोमड़ी और लकड़बग्गा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग करके उन दोनों को पर हंसी उड़ाई है। तो वैसे तो ये फनी उनके लिए होगा, काफ़ी मजाकिया तरीके से उन्होंने शायद इस बात को शो में प्रोमो के जरिए बोलने की कोशिश की होगी, पर जो है इनके जो फैंस हैं राहुल वैद्य के और श्वेता के, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं कि ये जो चीज़ है जो अर्जुन बिजलानी कर रहे हैं, उन लोगों को पुकार रहे हैं फॉक्स और हाइना के नाम से, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और वो उन्हें वीडियो को हटाने की मांग करते हैं। कलर्स टीवी से कहते हैं कि वो ये सब चीज़ें ना करें। ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट में आप ये भी देखेंगे कि लोग कह रहे हैं किस तरह से जो कलर्स चैनल है उन्हें कह रहे हैं कि वो टीआरपी के लिए ये सब काम ना करें और केवल इस वीडियो को हटा दें क्योंकि यहाँ पे बॉडी शेम के कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स हमें दिख रहे हैं। राहुल वैद्य के फैंस ज़्यादातर हमें दिख रहे हैं उस सिंगर के सपोर्ट में आकर कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को हटा दें, और अर्जुन बिजलानी को कह रहे हैं कि ये फनी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे देखना पड़ेगा कि चैनल और कलर्स टीवी जो है वो क्या, मेकर्स जो हैं शो के, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसके लिए। और आप हमारे साथ बने रहिए यूही अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिने स्पीक्स।